Hello everyone and welcome to my YouTube channel UGC that Public Administration. This is the 44th lecture of Administrative Thinker series and today we will discuss about a new thinker that is Herbert Simon. ठीक है, last lecture में हमने discuss किया था Chester Bernard के बारे में. ठीक है, कि उनका क्या contribution रहा Public Administration और Organization में. तो आज हम पढ़ेंगे Herbert Simon के बारे में. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं introduction से. तो he was born in 1916 and died in 2001. He was born in Milwaukee, USA. ठीक है, जगह है USA में मिलवाकी, वहाँ पे जो इनका जन्म हुआ. Studied social science and mathematics from the University of Chicago. ठीक है, PhD in social political science in 1943 with a major field in public administration from University of Chicago. ठीक है, PhD की इन्होंने political science में 1943 में, और साथ ही साथ जो है एक major field भी study की इन्होंने इसके साथ public administration की. ठीक है, कहाँ से? University of Chicago. इन्फ्लुएंस्ड बाई एम पी फॉलेट, एल्टर मायो, बर्नार्ड. ये जो है तीन थिंकर थे जिनसे इन्फ्लुएंस हुए. ये बर्नार्ड की इन्होंने द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए. ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. इन्होंने जो है डॉक्टरल डिसर्टेशन जो है पब्लिश की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947. ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी एक जो है पब्लिकेशन है. कुछ और इनके वर्क देख लेते हैं, क्या क्या इन्होंने जो है पब्लिकेशन की. पहला इन्होंने लिखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1950 में. ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन 1953 में, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन 1960 में, शेप ऑफ ऑटोमेशन 1960 में, ये दोनों 1960 में ही लिखे. साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल 1969 में, ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग 1972 में. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है साइमन के जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है, इसलिए इनको आपने नोट डाउन कर लेना है. ठीक है, चलिए अब देखते हैं कंसेप्ट क्या क्या दिए. पहला तो उन्होंने जोर लगाया है कि जो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डेवलप किया जाए. ठीक है, उन्होंने जो है साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी जोर दिया. मेड ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एज द सेंट्रल थीम ऑफ हिज स्टडीज. इन्होंने जो ह्यूमन जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग के लिए जो है उनको पायनियर माना जाता है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है कॉन्ट्रीब्यूटर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, उन्होंने जो सेंट्रल थीम जो अपनी स्टडीज की बनाई वो बनाई आप डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग. ठीक है, किस तरह से जो है ह्यूमन बींग डिसीजन मेकर मतलब बनाते हैं. ठीक है, बेस्ड ऑन द मैथोलॉजी ऑफ लॉजिकल पॉजिटिव, इट मीन्स कि साइंटिफिक अप्रोच इन्होंने जो है यहाँ पे यूज़ की है डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, साइमन कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रोवर्ब्स एंड मिथ्स बिकॉज दीज डिड नॉट हैव द साइंटिफिक एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी. साइमन ने जो है प्रिंसिपल्स जो एडमिनिस्ट्रेशन के थे उनको जो है प्रोवर्ब्स और मिथ्स कहा, क्योंकि जो यूनिवर्सली वैलिड नहीं थे ना ही जो है ये साइंटिफिकली मतलब एक तरह से अप्रूव्ड थे. ठीक है, और एक बात यहाँ पे लॉजिकल पॉजिटिविज्म के ऊपर जो है क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाई कौन सी मेथोलॉजी जो है साइमन ने यूज़ की अपनी स्टडीज़ के लिए, दैट इज़ लॉजिकल पॉजिटिविज्म. ये आपने याद रखना है. ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है. चलिए देखते हैं डिसीजन मेकिंग में क्या कहा साइमन ने. व्यूड ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन मेकर्स. इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक स्ट्रक्चर है किसका, डिसीजन मेकर्स का. ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम प्रीमाइसेस. इन्होंने कहा कि डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं है, बस जस्ट एक प्रोसेस है आपका कंक्लूजन ड्रॉ करने का, किससे? प्रीमाइसेस से, जो भी आपके पास स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, डिसीजन मेकिंग मीन्स चूजिंग वन अल्टरनेटिव अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव. इन्होंने कहा डिसीजन मेकिंग और कुछ भी नहीं है, जस्ट जो आपके पास अल्टरनेटिव है उनमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना है, ये है आपका डिसीजन मेकिंग. फोकस ऑन फैक्ट्स टू बी साइंटिफिक. इन्होंने कहा कि जो भी फैक्ट्स हैं वो जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ वैल्यू मेक्स डिसीजन कम्प्लेक्स. साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो वैल्यू अगर प्रेजेंट होती है आपके डिसीजन मेकिंग सिस्टम में या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो उसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स बना देती है. ठीक है, डिसीजन मेकिंग को. साइमन ने क्या कहा डिसीजन मेकिंग के बारे में, डिसीजन मेकिंग इज द ऑप्टिमम रैशनल चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डिसीजन मेकिंग क्या है, एक ऐसी चॉइस करना, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे और आपने सिर्फ एक चूज करना है, दैट इज डिसीजन मेकिंग किसी भी काम को करने के लिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं बेसिस क्या दिया डिसीजन मेकिंग के साइमन ने. पहला दिया फैक्चुअल प्रीमाइस, दूसरा दिया वैल्यू प्रीमाइस. ठीक है, फैक्चुअल प्रीमाइस में क्या कहा साइमन ने, इन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट ऑफ रियलिटी होती है. ठीक है, जो भी रियल थिंग्स होती है उसकी स्टेटमेंट होती है, जो फैक्ट्स होते हैं कैन बी प्रूव्ड बाय ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल मीन्स. ठीक है, इनको जो है प्रूव किया जा सकता है, आप इनको मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, जो भी फैक्चुअल प्रीमाइसेस होंगे. ठीक है, कंसर्न्ड विद द चॉइस ऑफ मींस ऑफ एक्शन, कंसर्न्ड होते हैं आपके मींस ऑफ एक्शन की चॉइस के साथ. ठीक है, वैल्यू प्रीमाइसेस, वैल्यू प्रीमाइसेस में क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंसेस, आप प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने की जो एक
एक मेथड है उसको वैल्यू प्रीमाइज कहते हैं, कैन नॉट बी टेस्टेड इम्पीरिकली, ये जो है इम्पीरिकली टेस्ट नहीं हो सकता, आप जो चाहते हैं उसमें वो चीज़ें पाई जाती है कि प्रेफरेंस क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या है आपकी, ठीक है, वैल्यूज़ क्या है, कंसर्न विद द चॉइस ऑफ एंड्स ऑफ एक्शन, ये जो है कंसर्न होती है आपकी, भाई जो हम कर रहे हैं उसका गोल अचीव हो जाना चाहिए बस, ठीक है, इससे कंसर्न होते हैं। चलिए अब स्टेजेस दिए हैं डिसीजन मेकिंग के साइमन ने, कौन कौन सी दिए हैं। पहला है इंटेलिजेंस एक्टिविटी, इंटेलिजेंस एक्टिविटी का मतलब हुआ फाइंडिंग ओकेजन फॉर मेकिंग ए डिसीजन, यानी कि एक ऐसा कोई माहौल देखना, ऐसा कोई एक प्लेस देखना या ऐसा टाइम देखना जहाँ पे आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, किसी चीज़ की। डिज़ाइन एक्टिविटी का मतलब हुआ इन्वेंटिंग डेवलपिंग एंड असाइनिंग पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि जो भी आपके पास कोर्सेज हैं जो बन सकते हैं इन्वेंट करना है उनको, ठीक है, यानी कि जितने अगर अल्टरनेटिव्स आपके पास बन सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके, डिसीजन को लेके, तो उनको आपने इन्वेंट करना है या डेवलप करना है या डिज़ाइन करना है, ठीक है। चॉइस एक्टिविटी, अब जो भी आपने अल्टरनेटिव तैयार किए डिज़ाइन एक्टिविटी में, जितने अगर भी आपके पास पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन है, पॉसिबल आपके पास सोल्यूशंस हैं, उनमें से सिर्फ एक चूज करना है, दैट इज़ द चॉइस एक्टिविटी और दैट इज़ द डिसीजन मेकिंग। चलिए अब टाइप्स ऑफ डिसीजन दिए हैं साइमन ने, कौन कौन से दिए, पहला है प्रोग्राम्ड, दूसरा दिया नॉन प्रोग्राम्ड, ठीक है। अब प्रोग्राम डिसीजन में साइमन ने कहा कि रेपिटेटिव और रूटीन वर्क जो होते हैं उसमें ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा फिर शफल करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस वही डिसीजन जो है बार बार लिए जाते हैं। स्ट्रक्चर डिसीजन होते हैं ये, ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, वेल डिफाइंड, ठीक है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फ्रेमवर्क, इसमें फ्रेमवर्क क्या है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, इसलिए ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई चेंजेस इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन, नॉन प्रोग्राम डिसीजन में क्या होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, इसको बेसिकली कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल होते हैं, जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से जो रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। द प्रॉब्लम इज अराइजिंग फ्रॉम द फर्स्ट टाइम एंड डिसीजन आर नॉट टेकन बिफोर, इसमें क्या होता है ये डिसीजन उन प्रॉब्लम पर लिए जाते हैं जो पहली बार अराइज होती हैं और उससे पहले उस तरह की कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मतलब एक तरह से एक इंस्टेंट डिसीजन होते हैं ये नॉन प्रोग्राम्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। चलिए अब एक मॉडल दिया साइमन ने, बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है कहा जाता है बिहेवियर अल्टरनेटिव मॉडल भी, ठीक है, जो क्लासिकल इकोनॉमिक रैशनैलिटी मॉडल है उसके ऊपर जो ये मॉडल दिया गया है, यानी कि उसके उससे बेटर ये मॉडल दिया गया है। इसमें कहा कि कंप्लीट रैशनैलिटी जो है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में जो पॉसिबल नहीं है, आप रैशनल या लॉजिकल नहीं हो सकते पूरी तरह से किसी भी चीज़ में, ठीक है, उसमें ह्यूमन फैक्टर है, वैल्यू फैक्टर रहता है, ठीक है, सो द मैक्सिमाइजिंग डिसीजन इज नॉट पॉसिबल, इन्होंने कहा कि डिसीजन को मैक्सिमाइज हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जब आता है तो वो अनप्रडिक्टेबल होता है और वहाँ पर वैल्यू ओरिएंटेशन जब होती है तो आप कंप्लीटली लॉजिकल नहीं हो सकते हो, लॉजिक के बेस पे आप नहीं चल सकते हो कंप्लीटली, ठीक है, सो ही सुजेस्टेड बाउंड्री रैशनैलिटी दैट इज लिमिटेड रैशनैलिटी, इसलिए उन्होंने कहा कि लॉजिक ठीक है आप लॉजिक के बेस पे चलो लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक, ठीक है, आप कंप्लीटली लॉजिकल या रैशनल नहीं हो सकते हो, इसलिए आप उन्होंने दिया बाउंडेड रैशनैलिटी का मॉडल, यानी कि लिमिटेड रैशनैलिटी एक हद तक, यानी कि एक लिमिट तक रैशनैलिटी, ठीक है, लॉजिकल। बाउंडेड रैशनैलिटी लीड्स टू द सेटिस्फाइसिंग डिसीजंस, जो बाउंडेड रैशनैलिटी है वो लीड करती है आपकी सेटिस्फाइसिंग डिसीजंस की तरफ। सेटिस्फाइसिंग डिसीजन समझना आपने क्या, ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है डिसीजन मेकिंग में, सेटिस्फाइसिंग डिसीजन का मतलब हुआ सेटिस्फाइंग, ये दो वर्ड से लिया गया है, ये पहला सेटिस्फाइंग है दूसरा है सफाइसिंग, ठीक है, सेटिस्फाइसिंग का मतलब आपको पता है संतुष्ट करना या फिर एक तरह से सेटिस्फाई करना, और सफाइसिंग का मतलब हुआ सॉरी एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब हुआ इनफ, यानी कि मतलब बहुत काफ़ी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, यानी कि डिसीजन कैसा होना चाहिए, सेटिस्फाइसिंग होना चाहिए, सेटिस्फाई भी करे लोगों को साथ ही साथ जो है वो काफ़ी भी हो लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो ये है सेटिस्फाइसिंग डिसीजन। और फैक्टर्स क्या रहे बाउंड्री रैशनैलिटी में वो भी देख लेते हैं, पहला है डायनामिक नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, क्या क्या फैक्टर्स है, पहला फैक्टर रहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का है कैसा नेचर डायनामिक है, चेंज होते रहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दैट्स वाई बाउंड्री रैशनैलिटी इज देयर, ठीक है। इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन एनालिसिस, अब इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस कैसा है, इनएडिक्वेट है यानी कि काफ़ी नहीं होता है, इसलिए जो है बाउंड्री रैशनैलिटी वहाँ पे होती है। टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, टाइम और कॉस्ट कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है, डिसीजंस कॉस्ट कंज्यूमिंग होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्ट फोर्सेज रहती है, एक्सटर्नल फोर्सेज रहती हैं, कुछ प्रेशराइज मतलब कुछ प्रेशर्स रहते हैं एक्सटर्नल, डिसीजन मेकर्स मे नॉट बी अवेयर ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव्स,
अब इसमें क्या है कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, हो सकता है उनको जो है अल्टरनेटिव्स का पता ही ना हो कि कितने तरह के हमारे पास अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। पर्सनल फैक्टर हो सकते हैं डिसीजन मेकर्स के, ठीक है, पर्सनल उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जिस वजह से जो डिसीजन हैम्पर करता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो सकती है। तो इसलिए जो है बाउंड्री रैशनैलिटी का इन्होंने यहाँ पे कंसेप्ट दिया। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर। तो प्लीज़ स्टे विद मी फॉर योर यूजीसी नेट प्रेपरेशन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।